सीमावर्ती क्षेत्र में नशे का अवैध कारोबार पर्दाफाश करने में घड़साना पुलिस की खोजी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। थाना प्रभारी विजेंद्र सिला के नेतृत्व में गुसाई मंदिर के पास तस्कर जैसे ही पैदल चलकर गुसाई मंदिर के पास आया, उसे टीम ने दबोच लिया और उसकी तलाशी ली तो जेब में से 30 ग्राम चिट्टा पॉलिथीन की थैली में बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राम कुमार पुत्र मनफूल राम स्याग जाति जाट निवासी 6P डाणी से कड़ी पूछताछ की गई। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हरियाणा बॉर्डर से चिट्टा प्रति ग्राम 900 रुपए में खरीद कर घड़साना 2000 रुपए ग्राहक को सप्लाई दी जाती है। आरोपी के विरुद्ध 821 NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी जांच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम सिंह अनूपगढ़ को सौंप दी गई है। तो चिट्टा बेचने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसके बारे में बताइए सर। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गंगानगर श्री हेमंत शर्मा के निर्देश में नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल टीम द्वारा मेहनत करके बीकानेर रोड गोसाई मंदिर के नज़दीक राम कुमार जाट निवासी 6P डानी थाना अनूपगढ़ को 30 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान पुष्पेंद्र सिंह जी CI SHO अनूपगढ़ कर रहे हैं। आरोपी ने प्रथम दृष्टया यह बताया है कि यह गुड़गांव दिल्ली की तरफ से नशे लेकर आता है। जैसे छोटी कार्रवाई के बाद में एक ये बड़ी कार्रवाई घड़साना पुलिस प्रशासन ने की है, तो अब आगे और भी खुलासे होने की संभावना है। हाँ बिल्कुल, टीम बड़ी मेहनत कर रही है। कल की कार्रवाई में कांस्टेबल मुकेश बराला का विशेष योगदान रहा और अब और आसूचना संकलित करके सभी बीट अधिकारियों को भी निर्देशित किया हुआ है और अधिक आसूचना संकलित करके और अधिक कार्रवाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नशा मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके।